हेलो एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें जो रिजल्ट यूज़ हो रहे हैं मैं उनके प्रूफ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने लास्ट लेक्चर्स में, बट मैं आपको साथ के साथ कुछ रिजल्ट्स जो है वो बताती रहूँगी। और सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टेटमेंट है, लेट एफ बी द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, देन दिस रिजल्ट विल होल्ड। सो यहाँ पर ये जो एफ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड है और जी यहाँ पर कोई फाइनाइट ग्रुप है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं, लाइक दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। और यहाँ पर ये क्या है, मतलब कि ये जो बेसिकली है वो कैसा है, रिड्यूसिबल है। इसको हमने इसमें रिड्यूस कर दिया और इसके डायरेक्ट सम में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से भी है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट एवरी कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप, किसी भी फाइनाइट ग्रुप की जो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी है, दैट इज़ कम्प्लीटली रिड्यूसिबल। ये स्टेटमेंट कहती है, इस थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है, दैट इज डायरेक्ट सम ऑफ फाइनाइटली मेनी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। तो यहाँ पर किसका डायरेक्ट सम हम कर रहे हैं, ये अपने आप में लाइक f(n1, f(n2) की बात करूँ, सो दे आर इंडिविजुअली दे आर इररिड्यूसिबल। और हम इसको, इस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट सम ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, इनका हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सम कर देंगे। तो क्या है ये, क्या है, रिड्यूसिबल है और इसको हमने इनमें रिड्यूस कर दिया। आई होप स्टेटमेंट क्लियर है। यहाँ पर ये n1, n2 टिल ये n के क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम किस हमारी अप्रोच किस तरीके से रहेगी इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। यहाँ पर हम वेडरमैन आर्टिन थ्योरम का रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं और उसका प्रूफ मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आपको लेक्चर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एंड उसमें जो भी लेमास यूज़ हुए हैं उन सबका भी प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो हमें ये प्रूफ करना है, दिस विल बी जी, कि हम इसको इसके डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं। और इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर वेडनबर्न आर्टिन थ्योरम का रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। तो और हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये जो रिज़ल्ट है और ये जो रिज़ल्ट है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट क्या डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पर दिस इज़ f(n1, f(n2, f(nk) और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर dni, dn1 and dnk तक लिख रखा है, वेयर दिस d इज़ डिवीजन रिंग। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दें f(n1) से और यहाँ पे जो dn2 होगा उसको हमने f(n2) से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो यही सेम काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, दैट इसमें सिर्फ ये रिप्लेस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देन अब क्योंकि यहाँ पर जो वेडनबर्न आर्टिन थ्योरम हम यूज़ करने वाले हैं तो उसकी कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई कराना होगा, देन ही तो हम ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। और वेडनबर्न आर्टिन थ्योरम में जो हमें मेन कंडीशन जो हमें फुलफ़िल करानी है सबसे पहले, दैट नो नॉन ज़ीरो इम्पोर्टेंट आइडियल वाली, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सो दैट कंडीशन फुलफ़िल होगी तो हम इसका जो रिजल्ट है वो यूज़ कर पाएंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट आर बी एन आर्टीनियन रिंग विद यूनिटी हैविंग नो नॉन ज़ीरो इम्पोर्टेंट आइडियल, देन आर इज़ आइसोमॉर्फिक टू फाइनाइट डायरेक्ट सम ऑफ मैट्रिक्स डिवीजन रिंग ओवर आर। जो मैंने रिजल्ट आपको दिखाया था जहाँ पर डी जो थे वो डिवीजन रिंग थे, तो आर क्या हो जाएगा, उसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा डायरेक्ट सम के, जो भी डायरेक्ट सम है। तो ये हम प्रूफ करेंगे कि नो नॉन जीरो नल इम्पॉर्टेंट आइडियल वाली कंडीशन। अब इसके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि नल इम्पॉर्टेंट आइडियल क्या होते हैं। मैं आपको प्रूफ स्टार्ट कराने से पहले सारी चीज़ें बता रही हूँ, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये चीज़ हमने प्रूफ क्यों की है या फिर ये चीज़ होती क्या है। तो डेफिनेशन पे जाते हैं सबसे पहले नल इम्पॉर्टेंट आइडियल की। सो वी वेरी वेल नो कि नल इम्पॉर्टेंट क्या होता है। अब मैं नल इम्पॉर्टेंट आइडियल की बात करती हूँ। सो एन आइडियल आई ऑफ अ रिंग आर इज सेट टू बी नल इम्पॉर्टेंट आइडियल इफ देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के सच दैट, कि जो वो आइडियल है उस पर हमने कोई पावर, नेचुरल नंबर के हमने कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर आई क्या है, वो आइडियल है और के हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट आई टू द पावर दिस के इज इक्वल्स टू जीरो, देन हम क्या कहेंगे कि आई क्या है, उसका नल इम्पॉर्टेंट, इस रिंग आर का क्या है, नल इम्पॉर्टेंट आइडियल है। अगर नई कंडीशन सेटिस्फाई करता तो नल इम्पॉर्टेंट आइडियल नहीं है। लाइक अगर मैं आई की जगह पर कोई ए मान लेती हूँ कि ए आइडियल है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसा एग्जिस्ट करे सच दैट कि आप उसकी पावर करते हो, सो दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया नल इम्पॉर्टेंट आइडियल। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ आइडियल की बात करें कि दो आइडियल्स हैं, लाइक ए एंड बी दो आइडियल्स हैं आर के, एंड हम उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइक सम्मीशन आई की वैल्यू 1 टू एन, एन क्या है, फिक्स्ड
नहीं है, हम बट फाइनाइट है, ठीक है. एन क्या है, फिक्स्ड नहीं है बट इट इज फाइनाइट. एंड ए आई बी आई इस तरीके से प्रोडक्ट में लिख लिया है. यहाँ पर ए आई जो है पहले वाले आइडियल का एलिमेंट है और जो बी आई है वो दूसरे वाले आइडियल का एलिमेंट है. तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों का. तो डेफिनेशन ये हो गई. अब आ जाते हैं प्रूफ पे. सो जैसा कि मैंने कहा था, हम नो नॉन जीरो नील इम्पॉर्टेंट आइडियल वाली कंडीशन को सबसे पहले प्रूफ करेंगे. तो वही सेम चीज़ लिखी है, बट क्योंकि अब यहाँ पर हम जिस इसकी बात कर रहे हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हम ये प्रूफ करेंगे दैट नो नॉन जीरो नील इम्पॉर्टेंट, इट हैज़ नो नॉन जीरो नील इम्पॉर्टेंट आइडियल्स. अब क्योंकि ग्रुप कैसा था, फाइनाइट था, सो वी कैन राइट इट एज दिस. यहाँ पर एन, क्योंकि जी एन लिख रखा है क्योंकि फाइनाइट ग्रुप है. अब हमने इस एफ जो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है फाइनाइट ग्रुप की, उसका एक एलिमेंट ले लिया एक्स. ओके, अब हमने उसको इस तरीके से लिख रखा है. यहाँ पर एफ क्या थी, हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड थी, इसलिए हमने ये अल्फा आई लिख रखा है. एंड ये जो जी है फाइनाइट ग्रुप था, तो उसका एलिमेंट हमने ले रखा है जी आई, वेयर दिस अल्फा आई बिलोंग्स टू एफ एंड जी आई बिलोंग्स टू जी. तो क्योंकि हमने एलिमेंट किस कहाँ से लिया, इसका लिया है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप की होगी, समीशन आई इज इक्वल्स टू वन टू एन, वेयर दिस एक्स एलिमेंट कहाँ से लिया है, यहाँ से. इसको इक्वेशन नंबर वन दे दिया. अब मैं यहाँ पे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो यहाँ पर मैंने कॉन्जुकेट ले रखा है, ये एक्स का कॉन्जुकेट है. अब क्योंकि अल्फा आई हमने फील्ड से लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड से लिया था, तो इसको हमने किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, समीशन वही सब कुछ सेम है. दिस अल्फा आई जो है वो अल्फा आई की, दिस इज कॉन्जुकेट ऑफ दिस, अल्फा आई का कॉन्जुकेट है अल्फा आई का बार. एंड जी आई इन्वर्स कर रखा है, क्योंकि ये ग्रुप है, सो जी आई जो है वो भी जी में बिलोंग करेगा, एंड जी आई का इन्वर्स भी जी में बिलोंग करेगा. सो ये एक्स स्टार जो है वो भी एफ ऑफ जी या फिर फाइनाइट ग्रुप, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप का ही एलिमेंट है. ये क्या है, दोनों ही एफ ऑफ जी के एलिमेंट हैं. सो दिस एक्स ये किसका है, ये भी फिर एफ ऑफ जी का ही एलिमेंट है. सो ये आई होप क्लियर है. नाउ यही सेम चीज़, एक्स स्टार इज कॉन्जुकेट ऑफ एक्स, एंड ये जो डिनोट कर रहा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुकेट ऑफ दिस, देन दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैं एक्स और एक्स का कॉन्जुकेट लूँ, जस्ट हमने वैल्यूज पुट कर दी, एक्स की वैल्यू पुट की, देन एक्स स्टार की वैल्यू पुट की, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोड ऑफ दिस अल्फा आई का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस. सो देयरफॉर एक्स एक्स स्टार इज इक्वल्स टू जीरो, तो इफ दिस इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये वाला पोर्शन भी जीरो के इक्वल हो जाएगा. एंड ये अगर सबमिशन ही जीरो के इक्वल है, मतलब इसका हम सम कर देते हैं तो भी वो जीरो के इक्वल है, दैट मीन्स कि ये अल्फा आई का जो स्क्वायर है, अल्टीमेटली क्या है, अल्फा आई जो है वो जीरो के ही इक्वल है, क्योंकि सबमिशन जब जीरो के इक्वल है तो एवरी इंडिविजुअल जो अल्फा आईज हमने लिए हैं वो जीरो के इक्वल ही है. आई की वैल्यू यहाँ पर वेरी कर रही है वन टू टिल आर तक. नाउ सो अल्फा आई इज इक्वल्स टू जीरो. अब जो इक्वेशन नंबर वन थी, वहाँ पर हमने अल्फा आई की वैल्यू पुट कर दिया, जहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर वन पुट कर रखा था, सो वहाँ पे अल्फा आई की वैल्यू पुट कर दी. सो अल्टीमेटली हमें जब हमने ये लिया था, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो. सो ये रिजल्ट अभी हम यूज़ करेंगे, इसलिए इक्वेशन नंबर टू हमने इसको डाल दिया, दैट दस एक्स एक्स कॉन्जुकेट इज इक्वल्स टू जीरो. तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, ये इम्प्लाइज ये कर रहा है कि एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी. अब हमने ए कोई इम्पॉर्टेंट आइडियल ले लिया एफ ऑफ जी में, एंड हमने उसका एक एलिमेंट ले लिया, देन ए ए स्टार या फिर उसका कॉन्जुकेट जो भी है, ए एस्ट्रिक, दिस बिलोंग्स टू ए. अब क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट आइडियल लिया है, तो मतलब क्या कि कोई पर्टिकुलर एक आर एग्जिस्ट करेगा, देर विल एग्जिस्ट नेचुरल नंबर आर, सच दैट कि उसके हमने कुछ पावर, इसके हम पावर करेंगे, एंड आंसर हमें क्या मिल जाएगा, जीरो. हम ये एज्यूम कर रहे हैं दैट दिस आर इज इवन, एंड बी हमने इसी तरीके से एज्यूम कर लिया दैट इसकी पावर हाफ. अब जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या गया है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ए स्टार, एंड आर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू जीरो, ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो ये भी जीरो के इक्वल हो गया, दस बी बी स्टार स्ट्रिक इज इक्वल्स टू जीरो. अब क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर रिजल्ट देखा था, एक्स एक्स स्टार इज इक्वल्स टू जीरो क्या इम्प्लाइज कर रहा है, दिस, अब यहाँ पर वही सेम चीज़, लाइक दिस बी बी स्टार इज इक्वल्स टू जीरो, विच गिव्स दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल था, ये था बी के इक्वल था, तो ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया, यूजिंग टू, ये जो इक्वेशन को हमने टू नंबर दिया था.
प्रोसीडिंग इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे, लाइक एक्स एक्स स्टार की जब जीरो है सो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, सो बी बी स्टार इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू जीरो, इसी तरीके से ये भी हम प्रोसीड करेंगे, सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, विच प्रूव दैट ए इज इक्वल्स टू जीरो, और यही चीज़ हम प्रूव कर रहे थे दैट हैंस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप हैज़ नो नॉन जीरो नील इम्पोर्टेंट आइडियल बिकॉज जी इज फाइनाइट ग्रुप. नाउ जो कंडीशन थी वेडनबर्न-आर्टिन थ्योरम की वो हमने प्रूव कर दी है, अब नाउ हम रिजल्ट उसका यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज फाइनाइट डायमेंशनल अलजेब्रा विद यूनिटी ओवर फील्ड, दिस दिस इज एन आर्टिनियन रिंग. अब वहाँ पर कंडीशन क्या थी, लेट आर बी द आर्टिनियन रिंग जिसके पास नो नॉन जीरो नील इम्पोर्टेंट आइडियल है, देन वी कैन से दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट सम ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन डिवीजन रिंग ओवर मैट्रिक्स. तो यही सेम चीज़ हो गया, बट अब क्या डिफरेंस है उसके रिजल्ट में और इसमें, कि वहाँ पर आर की जगह पर यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ जी है. वहाँ पर लिखा था ना आर इज आर्टिनियन रिंग जो कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है दैट नो नॉन जीरो नील इम्पोर्टेंट आइडियल है उसके पास, तो आर की जगह पर यहाँ पर है एफ ऑफ जी. तो जो रिजल्ट था उसमें हमने क्या किया, आर की जगह पर एफ ऑफ जी लिख दिया, बाकी एज इट इज़ है. इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 तक हम ऑलरेडी दे चुके हैं. एंड एज आई सेड कि जो डी हम लिख रहे हैं वो क्या है, डिवीजन रिंग्स हैं और इसकी वैल्यू आई से के तक के बीच में है. एंड अब इसे समझते हैं, बिकॉज ईच डी एन आई आई कंटेन्स अ कॉपी के ऑफ एफ इन इट्स सेंटर, इट फॉलोज दैट दिस इज फाइनाइट डायमेंशनल एलजेब्रा ओवर के एंड दिस इज इक्वल्स टू एन. यहाँ पर देन वन ए ए स्क्वायर टिल दिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर के, देन देयर एग्जिस्ट जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सो दिस क्या है, ये एल डी है हमारे ओवर के, एग्जिस्ट करेंगे एल्फा नॉट एल्फा वन एल्फा एन नॉट ऑल जीरो इन केस सच दैट कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो. सो दिस इम्प्लाइज दैट दैट दिस ए बिलोंग्स टू जो डिवीजन हमने रिंग लिया था इस एल्जेब्रिक ओवर के. अब एल्जेब्रिक ओवर के का मतलब क्या है, लाइक जो उसके रूट्स होंगे वो भी उसमें बिलोंग करेंगे. ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने लेक्चर्स में, तो जो रूट्स होंगे उसके वो भी उसमें बिलोंग करेंगे. बट सिंस के कैसा है, एल्जेब्रिक क्लोज पॉलिनोमियल है एंड दिस ये जो कॉम्बिनेशन हमने लिखा था लीनियर कॉम्बिनेशन दिस बिलोंग्स टू के हैज़ ऑल इट्स रूट्स इन के, क्योंकि एक के कैसा है, एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है, पॉलिनोमियल है, तो उसके जो भी रूट्स होंगे वो उसमें बिलोंग करेंगे. सो ए किसमें बिलोंग कर जाएगा, के में बिलोंग कर जाएगा. अब देखो हमें प्रूफ जो करना था दैट सिंपल डिवीजन रिंग्स, आप चाहो तो कुछ चीज़ें इसमें स्किप भी कर सकते हो. सिंपल हमें क्या करना है, उस डिवीजन रिंग की जगह पे इन चीज़ों को रिप्लेस करना है, fn1 fn2, एंड वही चीज़ हम कर रहे हैं. इसीलिए हमने ये शो कर दिया दैट दिस इज इक्वल्स टू के. अब क्योंकि ये आप देखेंगे ए एलिमेंट जो था इसमें बिलोंग कर रहा था, नाउ दिस ए एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस, एंड हमने के को आइसोमॉर्फिक कर रखा है इसके. यहाँ पे लिखा है ना दिस कंटेन डी ना इस कंटेन अ कॉपी के ऑफ एफ इन इट्स सेंटर, सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू एफ. अब हमें क्या करना है, इससे इसमें रिप्लेस कर देना है. हैंस बाय इक्वेशन नंबर 3 वी हैव एफ ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू एफ एन वन डायरेक्ट सम ऑफ एफ एन टू डायरेक्ट सम ऑफ टिल एफ एन के, और यही सेम चीज़ हमें प्रूव करनी थी. नाउ कमिंग बैक टू दिस, अब जैसे कि ये इसका जो डायमेंशन है दैट इज़ एन, और ए हमने कहाँ से लिया है, डी आई से लिया है. इसका मतलब जब हम लिखेंगे ए की पावर 0 दैट इज़ 1, ए की पावर 1, ए की पावर 2, क्योंकि ये हमने लिया है डी आई से, आई की वैल्यू इस बार बार वेरी कर रही है, और डायमेंशन हमने टिल एन तक लिया है, तो ये कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा. सो दैट विल बी एल डी ओवर के, और जितने हमारे पास हमने लिए हैं एल डीज लिए हैं उतने ही हमने अल्फाज ले लिए, सो वो भी हमारे अल्फा एन तक है, नॉट ऑल जीरो इन के सच दैट दिस इज इक्वल्स टू जीरो. एंड एल्जेब्रिकली क्लोज्ड का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ, अगर आप प्रीवियस के लेक्चर्स देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी. एंड रेस्ट इस वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच.